गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग सेशन ऑफ इंग्लिश। वी नो यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड एज यू हैव एंटर्ड इनटू ग्रेड टू। टुडे वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग क्लास फ्रॉम आवर कोर्स बुक दैट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ लेसन टू। द नेम ऑफ द चैप्टर इज Keep your things in place, Arjun. Arjun, अपनी चीजें अपनी जगह पर रखो। Let's begin. Read this story about how little Arjun learns to keep his things in place. यह स्टोरी पढ़ते हैं जो एक छोटे बच्चे अर्जुन के बारे में है, जो अपनी चीजें अपनी जगह पर कैसे रखते हैं यह बात सीखता है। अर्जुन जम्प्ड आउट ऑफ बेड। अर्जुन बेड से कूदा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वो बहुत एक्साइटेड था। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। अर्जुन इज सेइंग टू हिज मदर, मदर टुडे इज माई ड्राइंग कॉम्पिटिशन। मम्मी आज मेरा ड्राइंग कॉम्पिटिशन है। हिज मदर स्माइल्ड। उसकी मदर ने स्माइल किया। यस अर्जुन You are very good in drawing. अर्जुन तुम ड्राइंग में बहुत अच्छे हो। I am sure you will make a beautiful picture. मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक सुंदर पिक्चर बनाओगे। Sure means विश्वास। But first please pack your bag. लेकिन सबसे पहले अपना बैग पैक करो। Now turn to the next page. अर्जुन could hardly wait to go. अर्जुन से इंतज़ार नहीं हो रहा था। He ran to his room. वो अपने रूम की तरफ दौड़ा। It was in a mess. उसका रूम mess. Mess means बिखरा हुआ था। His clothes were thrown around. उसके कपड़े चारों ओर फैले हुए थे। His books were spread here and there. On the table, उसकी किताबें spread means फैली हुई थी। Here मैंने यहाँ, there मैंने वहाँ, यहाँ वहाँ table पर उसकी किताबें फैली हुई थी। His pencil box was empty. उसका pencil box empty means खाली था। He could not find anything. उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। He called out to his mother. उसने अपनी मम्मा को पुकारा। Mother, I can't find my pencil and eraser. मम्मी मुझे अपनी पेंसिल और इरेजर नहीं मिल रही हैं। And where are my crayons? और मेरे क्रेयॉन्स कहाँ हैं? You can see in the picture, his room was really in a mess. Arjun's mother began to look for his things. अर्जुन की मम्मी ने उसकी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। She looked for them under the bed, in the cupboard and in the drawers. उसकी मम्मा ने उसकी चीज़ों को बेड के नीचे ढूंढा, कबर्ड के अंदर देखा और ड्रॉर्स में देखा। Finally, she found the box of crayons under the sofa. और आखिर में उसकी मम्मा को सोफा के नीचे उसका क्रेयॉन्स का बॉक्स मिला। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हेयर यू आर अर्जुन। अर्जुन ये रहा। यू हैड लेफ्ट देम अंडर द सोफा। तुमने इनको सोफा के नीचे छोड़ दिया था। यू मस्ट कीप योर थिंग्स इन प्लेस आफ्टर यूजिंग देम। तुम्हें अपनी चीज़ें अपनी जगह पर रखनी चाहिए उनको यूज़ करने के बाद। एंड नाउ और अब हरी अप, जल्दी करो। अर्जुन सेज थैंक यू मदर। अर्जुन क्विकली पुट एवरीथिंग इन हिज बैग एंड हरिड अलोंग। अर्जुन ने जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से, सब कुछ अपने बैग में डाला और चल दिया। The competition had already started. Competition पहले ही शुरू हो गया था। Already means पहले ही।
When Arjun reached the hall, जब अर्जुन हॉल में पहुंचा, the incharge called Arjun, इंचार्ज ने अर्जुन को बुलाया, You are late, little boy, बच्चे तुम लेट हो गए हो, Go and take your seat, जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, I am sorry for being late, मैं लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ. So children, today we have read page number 13, 14 and 15. So do practice of these pages at least 2 to 3 times with the help of this video. We will read the remaining part of this chapter in our next video. Thank you and have a nice day.